फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों, अभी हम स्नैक रेस्क्यू के लिए गोल्फ मैदान जमालपुर आए हैं। यहां से थोड़ी देर पहले हमें कॉल आई थी कि एक सांप है, वो किसी पक्षी का शिकार कर रहा था। तो कुछ लोग बता रहे थे वो रसल वाइपर है। तो हमने आकर देखा साथियों, तो वो एक अजगर सांप है, पाइथन। तो उसने अभी एक शिकार किया है, तो पहले हम दिखाते हैं उस स्नैक को, फिर हम उसका रेस्क्यू करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, ये पत्तों का ढेर है और इस पत्ते के ढेर में जो है ये पाइथन सांप, इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं इसे, ये बैठा हुआ है छिपके। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। इसने अभी अभी एक शिकार किया है, एक चिड़िया को खाया है इसने और पत्तों में छिप गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह सांप जो है छिप जाता है पत्तों में। तो हम इसे सावधानी से रेस्क्यू करेंगे, चूंकि अभी अभी इसने खाया है और अगर हम इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करेंगे तो ये अपना शिकार शायद उगल सकता है। इस वजह से हम इसे काफ़ी सावधानी से रेस्क्यू करेंगे। इसका मुंह इधर है, आप देख सकते हैं इसका पेट काफ़ी फूला हुआ है और मुंह यहाँ है इसका। काफ़ी छोटा मुँह है, फिर भी काफ़ी बड़े शिकार को इसने काफ़ी आसानी से कर लिया। ये मीडियम साइज का पाइथन सांप है, ये देख। किसी को काफी सावधानी से इसे रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि अगर इसको छेड़छाड़ करें तो अपना शिकार उगल सकता है। और दोस्तों, सांपों को बड़ी किस्मत से शिकार मिलता है और आप देख सकते हैं शायद इसने अपना शिकार उगलना शुरू कर दिया है। क्योंकि सांप जो है भागने के लिए अपने बॉडी को हल्का करते हैं, और शायद इसने एक पक्षी का शिकार किया है, मैना पक्षी का, और काफी मुश्किल से यह उसे उगल रहा है, काफी दिक्कत हो रही है उसे उगलने में। आप देख सकते हैं इस मैना को इसने खा लिया है। और ये फील्ड है दोस्तों, यहाँ लोग गोल्फ खेलने आते हैं, काफ़ी दौड़ते हैं शाम में लड़के लड़कियाँ, तो ऐसे में फील्ड में सांपों का होना खतरनाक हो सकता है। इस वजह से हम इसका रेस्क्यू कर ले पड़ रहा है, वरना अगर जंगल होता तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, क्योंकि सांप बार बार शिकार नहीं करते, काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें शिकार मिलता है। तो अब हम इसे रेस्क्यू करते हैं। क्या सिस्टम ईश्वर का है, वह ये छोटा पाइथन है, अभी बेबी है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार इसने जो है उस पक्षी को निगल लिया है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छी तरह से स्नैक को रेस्क्यू कर लिया, हालांकि शिकार उगलने से तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन हम इसे ले जाकर अच्छी जगह रिलीज करेंगे जहां ये अपनी आगे की लाइफ अच्छे से सरवाइव करेगा। और अभी अभी हमारे साथ चिदंबरम साहब भी हैं, तो सच आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? बिल्कुल, आप जो है सो जंतुओं का या स्नैक का, इनका जो आप रेस्क्यू करते हैं, इन्हें बचाते हैं, ये हमारे वातावरण के लिए आवश्यक चीज है। हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी आवश्यक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली बार फिर स्नैक के साथ। आपका स्नैक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।